Hey guys, welcome back to my channel, Foodie Bobby. तो आज मैं आई हूँ अपनी मौसी के यहाँ. तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं अपनी मौसी के यहाँ क्या क्या खाने वाली हूँ. And yes, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो टू फॉलो मी इंस्टाग्राम एंड यस वीडियो एंड तक देखना. ये हमारा पेट है गाइस. गाइस जिसको नहीं पता है ये किस चीज की पकौड़ी है तो मैं बता दूं उन लोगों को कि ये है मूंग दाल की पकौड़ी, जो कि इसको हम लोग मेरी लैंग्वेज में कहते हैं मगौड़े. और ये बहुत ही टेस्टी होती है भाई. गॉड की कसम, इतनी क्रिस्पी, इतनी क्रंची और टेस्ट वाइज तो बहुत ही अच्छी और हेल्दी तो है ही डेफिनेटली, बिकॉज ये मूंग दाल की बनी होती है. एंड इसको आप चाय के साथ भी पी सकते हो, खा सकते हो. इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हो, आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हो. ये काफ़ी ज़्यादा हद तक टेस्टी होती है. एंड मैंने इस वीडियो का टाइटल देखकर आप सोच रहे होगे मैंने ये ऐसा टाइटल क्यों रखा है, तो आप पूरी वीडियो देखो तब आपको समझ में आएगा कि हुआ क्या था मेरे साथ. इधर है अचार हमारे पास और ये हम इसको बेस्ट खाने का तरीका ही है कि आप ये. एंड यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, मैं यहाँ पर जो लहसुन का अचार होता है मैं उसके साथ खा रही हूँ. बहुत ही इत्मीनान से मेरे को इतना टेस्टी लगता है भाई. गॉड, मेरे को चावल भी बहुत पसंद है इसके साथ और मुझे रोटी भी बहुत पसंद है इसके साथ. उसके बाद भाई बारी आती है आम की. ये तो खा लिया, लेकिन मैंने जब ये आम खाए हैं इतने टेस्टी, ओ माय गॉड, देन मैं इसके बाद सो गई थी. फिर मैंने मेरी सिस्टर लेकर आई मेरे लिए चुर्री, मतलब मेरी लैंग्वेज में कहते हैं इसे चुर्री, जो नॉस्टैल्जिया टाइप की फील देता है. लाइक आपने बचपन में तो खाया ही होगा. उसके बाद मैंने लंच किया जहाँ पर थे राजमा चावल और रोटी भी थी, बट मैंने रोटी स्किप कर दी बिकॉज ब्रेकफास्ट काफ़ी हैवी हो गया था. सुबह ही सुबह फ़ोन आ गया था मासी का कि आ जाओ बेटा कुछ बनाया जाए. मैंने आलू वो कर रही हूँ, क्या कहते हैं रोस्ट, वो क्या होता है तंदूर में, तो उसके लालच में. और उन्होंने कहा कि मगौड़ी भी बना रही हूँ, तो मगौड़ी इन द सेंस कि पकौड़ी का फॉर्म लाइक मूंग की दाल की है तो वो मगौड़ी हो गई. एंड ये गाइस ट्रस्ट मी, ये राजमा चावल बहुत ही अच्छा था, बट मेरे मुंह में काफ़ी प्रॉब्लम थी तो मैं इसको इस काफ़ी हद तक इन्जॉय नहीं कर पा रही थी. तो मैं इसमें नींबू भी डालती रही, मैं अचार भी डालती रही. एंड मैंने इसको खाया प्याज के साथ, बहुत टेस्टी था गाइस. अभी भी मुंह में पानी आ रहा है एडिटिंग करते वक्त. एंड देन उसके बाद रुक जाओ पहले इसको खा लूँ, बहुत टेस्टी था. फिर मैं जाती हूँ छत पर ऐसे ही घूमने. एंड मैंने टिंकू, टिंगू उसका नाम है, ओज भी नाम है, ओजो ओजो और टिंगू, पता नहीं ओजो बोला था तब मुझे पता नहीं, टिंगू नाम है वैसे घर का देसी शुद्ध देसी नाम टिंगू. यह मैं टिंगू के साथ खेल रही हूँ. देन शाम होते ही फिर हम लोगों ने वहाँ पर मौसी ने मेरी आग जलाई एंड आग में आलू उसको रोस्ट करके खाया हम लोगों ने. एंड अभी मैं जो खा रही हूँ वो था आम, कच्चा आम. और देन ये देख सकते हो लोग, आप लोग आलू इसको बहुत भुंजे हुए आलू इसे कहते हैं, चटनी के साथ और थोड़ा सा देसी घी भी. ये था पार्ट जहाँ पर मेरे ऊपर लिजार्ड आई थी. लिजार्ड पीछे, मैं देखो जैसे ये खा रही हूँ और मेरे पीछे अभी लिजार्ड आ गई और मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये है क्या. मुझे लगा कि एक छोटा सा कीड़ा होगा और चल रहा है, और मुझे तब भी नहीं पता था कि बहुत बड़ी छिपकली है. एंड बहुत छोटी सी चिप, मुझे लगा छोटी सी छिपकली है, बट देखो मैं इधर रिएक्शन देखो मेरे, मैं पीछे देख रही हूँ, बट मैं रैंडमली बैठी हुई थी, मेरा भाई पीछे था, मुझे लगा कि छोटा सा कीड़ा है और मैं डर रही थी. बट उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैंने जब उठी और उसके बाद भाई हम लोगों ने देखा, हम लोग के सामने से इतनी बड़ी लिजर्ड गई थी. तो ये थी स्टोरी और मैं बहुत गंदा वाला डर गई थी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर.